बॉलीवुड इंडस्ट्री में खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। अभी एक ऐसी खबर सामने आ रही थी जिसको सुनकर शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली के फैंस को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो जानते हैं क्या है वो खबर। मैं हूँ रिकी ठाकुर और रिकी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शाहरुख खान ने 2002 में संजय लीला भंसाली के साथ देवदास मूवी में काम किया था। ये मूवी बहुत ही ज्यादा बड़ी हिट मूवी हुई थी। इस मूवी में शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय थी। इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। 2002 से लेकर अब तक शाहरुख खान ने कोई भी संजय लीला भंसाली के साथ प्रोजेक्ट नहीं किया है, जबकि इतनी बड़ी हिट मूवी वो एक साथ दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी एक खबर बहुत तेजी से फैल रही थी कि संजय लीला भंसाली अपने अगले प्रोजेक्ट इजाजत के लिए शाहरुख खान को साइन कर चुके हैं। ये दोनों बहुत जल्द एक साथ काम करने वाले हैं और इजाजत फिल्म एक रियल लव स्टोरी है जिसमें एक लड़का जो है अपने प्यार के इजहार के लिए नॉर्वे साइकिल पे चला गया था और इस घटना पे अब एक फिल्म बनने जा रही है जिसमें शाहरुख खान काम कर रहे हैं। लेकिन संजय लीला भंसाली ने इन खबरों का खंडन किया है। संजय लीला भंसाली का अभी पूरा ध्यान अपनी आने वाली फिल्म गंगूबाई पे है और गंगूबाई के कारण ही वो किसी भी फिल्म को अनाउंस नहीं कर रहे। ये बात सही है कि उन्होंने इजाजत नाम का टाइटल रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस फिल्म की कास्टिंग पे काम नहीं किया है और स्टोरी भी फाइनल नहीं है। हम दिल से चाहते हैं कि शाहरुख और संजय लीला भंसाली फिर से एक साथ काम करें और हम भी 2002 में आई देवदास जैसा मैजिक फिर से स्क्रीन पे देखें। आपको क्या लगता है, शाहरुख खान को संजय लीला भंसाली के साथ जल्द ही किसी प्रोजेक्ट में आना चाहिए? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।